हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली सब जन बढ़िया होंगे। फर्स्टली वेलकम टू असावा कॉलेज। असावा कॉलेज में मैं इंग्लिश का टीचर हूँ यहाँ पे, और ये आप सबको अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे? हम पढ़ेंगे अभी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा नाम है संकेत सुधीर देश पांडे। तो कुछ बातें सबसे पहले मेरे बारे में जान लो, ताकि स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि हमको जो है वो फैकल्टी जो पढ़ाती है वो कौन है। ठीक है, तो मैं जो हूँ एक सीए स्टूडेंट हूँ। मेरे सीए सीपीटी प्लस आईपीएससी जो है वो क्लियर हो गई। अभी मेरा फाइनल बाकी है। उसके साथ साथ जो फाइनल के पहले 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप होती है वो भी मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो अभी आप सबको पता है कि हमारे जो फाइनल का अटेम्प्ट है वो फाइनल का अटेम्प्ट अभी हमारा पोस्टपोन हो गया है नवम्बर तक। ठीक है, तो ये वाला अटेम्प्ट हमारा हो गया कैंसिल। और मैं पहले दिन से, जब से मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ करना है, वो तब से मेरे पास एक ही मेरा एम था, एक ही मेरा मोटिव था कि मुझे टीचिंग फील्ड में, मतलब एजुकेशन के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और अपने कॉलेज ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आपसे कनेक्ट होने की। उसके बाद मैं जो हूँ एक मतलब फ्रेंडली टीचर कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को होमवर्क वगैरह नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अपना जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वो सब्जेक्ट नॉर्मल तौर पे क्लास के अंदर ही खत्म हो जाता है विथ एक्स्ट्रा रिवीजन लेक्चर। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये वाला सब्जेक्ट क्लास के अंदर ही आप सबसे करवा सकता हूँ। ठीक है, और हम करेंगे। मुझे भी पक्का श्योर है यहाँ पे कि हर कोई जो है वो बहुत अच्छे से मेरे साथ जो है इंग्लिश कवर करेगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को पनिश वगैरह भी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे क्लास में अच्छे से नहीं बैठता है, मेरे क्लास में अटेंटिव नहीं रहता है, क्लास में वो ध्यान नहीं देता है, तो उसको फिर मैं पनिश करता हूँ। ठीक है, और क्योंकि क्या होता है, एक अगर स्टूडेंट कोई क्लास में अगर मानो टाइम पास कर रहा है फिर उसका ध्यान नहीं, तो उसके साथ साथ उसके जो फ्रेंड्स है आजू बाजू में बैठे वाले, उन सबका भी ध्यान पूरा क्लास से जो है वो हट जाता है, और उनका ध्यान है पढ़ाई में नहीं लगता। फिर क्या होता है, फिर वो लेक्चर में मैंने जो पढ़ा है वो स्टूडेंट को याद नहीं होता, और फिर स्टूडेंट क्या करता है, अगले लेक्चर में उसकी वो लिंक टूट जाती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्लास में रेगुलर रहेंगे पहली चीज़ तो, और प्लस फिजिकली प्लस मेंटली प्रेजेंट रहेंगे। हमको सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना है, प्लस हमको थोड़ा ध्यान भी देना है। ठीक है, हर एक चीज़ की तरफ। उसके बाद हम, जैसा मैंने कहा कि ये वाला सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, मेरे क्लास का फॉर्मेट ही ऐसा रहेगा, लेक्चर्स का फॉर्मेट ही ऐसा रहेगा कि हर एक चीज़ छोटी से छोटी पॉइंट से लेके बड़े से बड़े टॉपिक तक हर एक चीज़ जो अपने लेक्चर में कवर हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपको घर पे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर घर पे जो है वो ये सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो अभी इंग्लिश अगर एक सब्जेक्ट छोड़ा तो बाकी के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका 10th के स्टूडेंट को कोई बेस नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें अकाउंट्स की, या फिर बाकी जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, तो वो वाले सब्जेक्ट, एसवी फॉर दैट मैटर, तो वो वाले सब्जेक्ट का क्या होता है, स्टूडेंट को कोई बेस नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि वो वाले सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है। सिर्फ एक अपना ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसका स्टूडेंट के पास बेस है, या फिर वो इमेजिन कर सकता है कि इंग्लिश में हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। मोर और लेस जो है वो 10th का एग्जाम का फॉर्मेट और 12th का एग्जाम का फॉर्मेट वो बोर्ड का सब सेम ही होता है। ठीक है, हाँ, उसमें मेजर चेंजेस भी बहुत सारे हैं जिसपे हम लोगों को स्पेशल फोकस करना है, वो बातें मैं आपको ये वाले लेक्चर में बताऊंगा कि हमको जो है वो 10th से 12th में कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको घर पे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भरोसा रखिए हम यहाँ पे मिलके सब हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वाला लेक्चर जो है वो वाले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम करिकुलम के बारे में जो है वो अपने सिलेबस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट मैं ये वाले लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो ये स्टूडेंट्स को आज की डेट से लेकर 12th की बोर्ड एग्जाम तक ये वाली सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। जैसे अभी आप सबको पता है कि आपकी 10th हो गई, अभी हम क्या करेंगे, स्कूल से आए कॉलेज में, तो स्कूल से अगर कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो तुरंत चेंज होता हो जाता है, वो खुद को बहुत बड़ा मानने लगता है। तो क्या होता है, उसमें 10th में हम जितना एफर्ट्स के साथ, जितना शिद्दत के साथ हम पढ़ाई करते हैं, उतना हम 12th 11th में नहीं करते, फिर हम 12th में पढ़ाई को लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन 12th में जो है वो उनके स्कोर बहुत कम आते हैं। ठीक है, उनके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अनुसार, मतलब 10th में अगर कोई स्टूडेंट 90 स्कोर करता है तो हम एज्यूम करेंगे कि 12th में 80 प्लस तो वो जाना ही चाहिए, बट वो स्कोर करके आता है लेस देन 70%।
ये क्यों होता है? मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसका एक रीजन है और वो सबसे मेन रीजन है, वो है 11th। स्टूडेंट क्या करता है, स्कूल जब अपना खत्म होता है 10th का, उसके बाद जब स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आता है तो वो बहुत कैजुअल लेने लगते हैं। उसको लगता है कि चलो 10th हो गया, मतलब हमने अब सब कर लिया, अब इसके आगे की जो सब बातें हैं, जैसे हमारा 11th 12th हो गया, फिर डिग्री है, वो सब आसान है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी अगर 10th में आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ी तो आप सोचिए आपको 12th में कितनी पढ़ाई करनी है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है। ऑब्वियसली हम हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन तो हमको किसी के साथ करना है नहीं। अभी ये वाले लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले दिमाग में कौन सी बातें आपने रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अपने सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये जो 11th का हम इंग्लिश पढ़ेंगे वो 11th का इंग्लिश एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे मार्क्स एलोकेशन के बारे में, ताकि अभी आप सबको पता है, हालांकि पहले दिन मैं मार्क्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरा जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स के लॉजिक्स वगैरह और बेसिक्स क्लियर करने में जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको वो टॉपिक के सब बेसिक पता है, वो टॉपिक का आपके पास पूरा नॉलेज है, तो ये तो मतलब सेकेंडरी के वो टॉपिक आपको अच्छा मार्क्स दे के ही जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्या मार्क्स की अगर बात करें, मतलब एक हरे टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, तो हमको ऐसे नहीं करने के वही टॉपिक में पूरा का पूरा साल डालना है और जो टॉपिक को मार्क्स कम है उसको हम कम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लास में अगर किसी टॉपिक को हाफ मार्क भी होगा तो भी वो वाला टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, इनफ टाइम हमारे पास है। अभी जब तक फेस टू फेस क्लासेस शुरू नहीं हो जाते तब तक ये वाले जो क्लासेस है आपको इफेक्टिवली करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, तो इस पे ही जो है वो हम आगे बात करेंगे थोड़ा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अपना जो अभी 11th का सिलेबस रहेगा उसके साथ साथ हम बाकी की कौन सी चीज़ें करेंगे, मतलब मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पे जो लेक्चर देख रहा है वो हर एक स्टूडेंट क्या करे, कोई अदर स्किल्स जो है वो लेक्चर से सीख के जाए, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसी करनी है, मतलब 11th और 12th में जो हमने 10th में पढ़ाई की उसमें और 11th और 12th की पढ़ाई में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि एग्जैक्टली हमको आगे बढ़ना कैसे है, आगे प्रोसीड कैसे करना है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपना जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है अपना, इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये वाले बीट एक बार समझ लो और उसके बाद आज के लेक्चर के एंड तक स्टूडेंट के दिमाग में जो कुछ क्वेश्चन है 11th और 12th को लेकर, खास करके इंग्लिश को लेकर, वो सब आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले तो बात कि जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको हर एक चीज़ मेहनत के साथ कमानी पड़ती है, आपको वही चीज़ें मिलती है जो आप डिजर्व करते हो। और हम वो चीज़ें डिजर्व कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, डेडिकेशन, हमारा हमको डेडिकेशन कर लेना है, पूरा डेडिकेट करना है अपने आप को वहाँ पे, प्लस उसके साथ साथ हमको एफर्ट्स भी लेने हैं, ठीक है। अब मतलब गोल सेटिंग जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका जो है वो गोल सेट करके हमको वहाँ पे रुकना है क्या, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमको यहाँ पे करना है। तो हमको ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना कि सिर्फ प्लान करके चीज़ें छोड़ दो। तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो प्लानिंग से ज़्यादा जो होता है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, हर कोई प्लान करता है मुझे 12th में जो है 95% स्कोर हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट करता है क्या 95% स्कोर, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके प्लानिंग के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो हम यहाँ पे वो केयर करेंगे। उसके बाद देखो पढ़े हमको कैसे करने है, हमको पढ़े पहले दिन से करनी है। हमको इंजीनियरिंग स्टूडेंट है क्या कि आखिरी के 10-15 दिन में रात रात भर जाग के हम सिलेबस कवर करेंगे, वैसा करना है क्या हमको, वैसा बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच के चल रहा है कि हमको ये करना है तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसने ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से 2 बार देखो, इसका और एक बार रिविजन करो, ताकि आपको सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो हमारी जो पढ़ाई है हमको पहले दिन से थोड़ी 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 करते जाना है, ताकि एंड में जो है वो हमारा लोड भी ना है हमको, कैसा ना हो कि हमारे पास बहुत कम दिन बचे, ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सिलेबस बचा है वो बहुत सारा है। तो ऐसा होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, फिर स्टूडेंट शॉर्टकट्स लेगा उसमें, फिर स्टूडेंट जो है वो कुछ चैप्टर वहाँ पे स्किप करेगा। तो हमको वो करना, हमको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। हमको पहले दिन से पढ़ना है, जैसे बोलते हैं बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज बेटर देन स्टॉपिंग, तो हमको क्या करना है, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। हमको ऐसा नहीं करना कि पहले दौड़ना है फिर हम रुकेंगे फिर हम दौड़ेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, बेबी स्टेप्स लेते चलना है। जहाँ पे आप थोड़ा भाग के थक गए
तो वहां पे एटलीस्ट हम बेबी स्टेप्स डालेंगे, लेकिन हम रुकेंगे क्या? हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ठीक है। अभी सबसे मेन चीज कि आपका जो पास्ट है, मतलब आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, क्या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आप आईसीएसई के हो या फिर मराठी मीडियम के हो, तो यहाँ पे जो है वो इसके आगे वो बातें मैटर नहीं करेगी। क्यों वो बातें मैटर नहीं करेगी? क्योंकि अभी मेरे सामने बैठा हर एक स्टूडेंट जो है वो मेरे लिए इक्वल है, और वो स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे जीरो से शुरू करेंगे। मतलब हम लेक्चर के पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हर एक बेसिक चीज यहाँ पे कवर करेंगे, मतलब बेसिक वो कंसेप्ट का बेसिक नॉलेज भी हम यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम स्पेशल टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 10 तक इंग्लिश जो है वो वीक है, तो उसने उसके उसको कॉन्फिडेंस लाना और उसको भी सब स्टूडेंट के साथ लेके जाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज जो हमने टेंस में की है, यहाँ पे हर कोई करेगा, और अभी आपको याद आती होगी, तो क्या करना है हमको, कोई भी चीज ऑप्शन में छोड़नी नहीं है, कोई भी बीट, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हमको यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ जो है हमको इम्पोर्टेंट है। और पहले दिन से अगर ये सब चीजें हम करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें हमको एट द एंड डिस्कस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। हमारे पास 7 to 8 months होते हैं 11th कम्प्लीट करने के लिए, विच इज काइंड ऑफ इनफ। तो हमको क्या करना है कि पहले दिन से अगर थोड़ा 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 एवरेज भी करते गए, तो भी हमारा 6 to 7 months में जो सिलेबस विथ एक्स्ट्रा रिविजन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या करना है, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ तो सबसे पहले ये देखना है कि मुझे वो टॉपिक आता है क्या। और कोई अगर ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको लगा कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं जमा, या फिर ये टॉपिक में का मुझे ये वाला बीट एक्स वाई जेड वाला बीट मुझे नहीं जमा, तो वो स्टूडेंट ने खुद ने समझना है। अब जाहिर सी बात है, ये हम ई लर्निंग चालू है अभी हमारा, आप मेरे सामने हो नहीं, तो मैं हर एक को पॉइंट आउट करके उसके वीकनेसेस नहीं बता सकता। तो अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे खुद आके आना है, खुद मुझे बोलना है कि सर ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा वीक है, तो वो वाला पॉइंट मेरा बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो हमारा जो है वो हम ऑब्वियसली व्हाट्सअप थ्रू कम्युनिकेशन में रहेंगे, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन हमारा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों मिलके वो वीकनेस पे कुछ वर्क करेंगे, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से मुझे एक्सपेक्टेड होगी और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से उसमें इनपुट्स दे दूंगा, और एट द एंड जो है हमको हमारे पूरे वीकनेसेस को कैपिटलाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मार्क्स एलोकेशन की। जैसे हमारा टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है, हमारे इंग्लिश का पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स, तो वो 100 मार्क्स का जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे कैसे होता है। तो जो 100 मार्क्स होगा उसमें से सबको पता है अभी 80-20 का पैटर्न चालू है। 80-20 मतलब 80 मार्क्स का जो है वो रिटन पेपर होता है, 20 मार्क्स जो है वो ओरल टेस्ट होती है। जो 20 मार्क्स है वो कॉलेज के पास होते हैं, तो वो वाले 20 मार्क्स को हम थोड़ा असाइड रखेंगे यहाँ पे, और हम बात करेंगे बचे कुचे 80 मार्क्स के बारे में। तो 80 मार्क्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमारे पास टोटल 3 बीट्स है पढ़ने के लिए। एक होता है चैप्टर्स पोयम प्लस रैपिड रीडिंग वाला पोर्शन, एक होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, और एक होता है हमारा इंग्लिश राइटिंग स्किल एंड कंपोजिशन वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स वाला पोर्शन है जिसमें पोयम्स प्लस रैपिड रीडिंग आती है, उसको 40 मार्क्स का वेटेज है। 80 में से 40 मार्क्स जो है वो हमारे चैप्टर्स प्लस पोयम्स प्लस रैपिड रीडिंग यहाँ पे कवर करते हैं। अब हमारे बच्चे कितने हैं, हमारे बच्चे 40 मार्क्स, तो वो 40 मार्क्स में से जो है 15 मार्क्स का आता है हमारा ग्रामर, और उसमें से 25 मार्क्स का आता है राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन। तो यहाँ पे अगर आप ये पाई चार्ट देखो, तो यहाँ पे हर एक चीज कवर हो जाती है कि हर एक बीट जो है इंग्लिश का वो उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा सा वेटेज यहाँ पे कवर करता है। तो हमको यहाँ पे कोई भी बीट ऑप्शन पे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, हर एक बीट हमको अच्छे से करना है। अभी इसमें जो है वो हमको कौन सी स्किल्स हम सीखेंगे क्लास में, ठीक है, वो हम थोड़ी बात करेंगे। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली अगर बात करें, अब प्रैक्टिकली हम बात करें, तो कोई भी एक नॉर्मल इंग्लिश का स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी 3 बातें आनी चाहिए मेरे हिसाब से इंग्लिश की। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश। वो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, इंग्लिश में बात कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और अभी जो है वो ग्लोबल मार्केट की बाउंड्रीज बहुत नैरो होती चली गई है। अपने पास टेक्नोलॉजी, अपने पास स्मार्टफोन्स आए, तो हमारे लिए अभी यूएस यूके जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। उन लोगों से हम एक चुटकी भर में व्हाट्सअप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में गए आगे जाके जो प्रोफेशन क्लाइंट बेस्ड प्रोफेशन है, और हमको फॉरेन के क्लाइंट्स वगैरह यहाँ पे डील करना है, तो उनके साथ कौन सी लैंग्वेज में डील करेंगे? ऑब्वियसली उनको हिंदी तो नहीं समझेंगी। तो हमको क्या करना है कि जो अपनी ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो हमको बात करते आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे क्या हो, एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्ट्रांग हो जाए।
उसके बाद हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे इंग्लिश अच्छे से पढ़ती आनी चाहिए। रीड इंग्लिश का मीनिंग मेरा ये नहीं है कि आपको अल्फाबेट्स वगैरह पता हो या फिर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता हो। रीड इंग्लिश मतलब जो एक इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका होता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में इंग्लिश पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं अगर आपको एक इंग्लिश का पैसेज दूँ तो वो इंग्लिश पढ़ने का तरीका आपका अलग होगा। सेकेंडली मैं अगर उसकी जगह पे इकोनॉमिक्स का एक पैराग्राफ दूँ तो वो इंग्लिश पढ़ने का आपका तरीका अलग हो जाना चाहिए होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो उसके साथ साथ उसके जो बैकग्राउंड में मीनिंग है, वो सेंटेंस के पीछे जो मीनिंग छुपा है, वो मीनिंग भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको वो अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ते भी आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश लिखते आना चाहिए। सर ये तो हमको आता है, ABCD जो हमने बचपन से सीखी है, तो आप हमको क्या नया सीखेंगे। जब भी मैं बोलूँ हमको इंग्लिश लिखते आना चाहिए, उसका मीनिंग ये नहीं कि मैं जो जो वर्ड बोलूँ वो आपको एग्जैक्टली स्पेलिंग के साथ लिखते आना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो बेसिक चीज़ है, वो सबको आती है और वो सबको आनी भी चाहिए। लेकिन राइटिंग इंग्लिश का मतलब है मैं कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अभी अगर आप सब मान लो, इमेजिन करो हम किसी इंटरव्यू में गए, जॉब इंटरव्यू में, तो जॉब इंटरव्यू में अभी ओरल इंटरव्यू तो होता ही है, तो वहाँ पे हमको इंग्लिश बोलती भी आनी चाहिए। उसके साथ साथ वो अगर कुछ हमको इंग्लिश का एक आधा पैराग्राफ पढ़ने को दिया और वो अगर हमको बोले कि इसका हमको हिडन मीनिंग बताइए, ये पैराग्राफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो हमको इंग्लिश बहुत अच्छे से वहाँ पे रीड करते आनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने अगर बोला कि हमको एक ऑफिशियल लेटर लिख के बताओ, क्योंकि देखो जो कंपनी का और क्लाइंट का कम्युनिकेशन होता है दैट इज थ्रू ईमेल्स और व्हाट्सएप। अभी चलो लेटर्स वगैरह तो आउटडेट हो गए, लेकिन ईमेल्स और व्हाट्सएप तो है। तो फिर हम जो है एक कंपनी से दूसरे कंपनी का जो कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जाता है, मतलब अभी अगर किसी कंपनी, बड़ी वाली कंपनी को आपको एक ऑफर देनी है खुद की कंपनी की, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में आप एक आधा ईमेल वहाँ पर ड्राफ्ट करके भेजेंगे। तो आपको किस लैंग्वेज में ईमेल ड्राफ्ट करना है, वो इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हो वो कौन से फॉर्मेट की होनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। अगर आप जितने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश लिख के, उतने अच्छा जो है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। अब चलो टेंथ हो गई हमारी, टेंथ में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाई की। आपका टेंथ का पढ़ाई का जो है हर एक स्टूडेंट की मेथड अलग अलग होती है, तो आपकी कौन सी भी मेथड रहें दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जो है वो पढ़ाई करते करते हमको मतलब चार पांच चीज़ हमको करनी है जिसमें हमारी पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ है, चार स्टेप्स रहेंगे। पहली स्टेप होगी हमको क्या करना है, हर एक लेक्चर यहाँ पे क्या करना है, अटेंड करना है। मतलब अभी अगर ई लर्निंग की बात करें तो आपको हर एक वीडियो बहुत अच्छे से देखना है। अच्छे से देखना है का मेरा मीनिंग है कि अगर वो वीडियो, ऑब्वियसली मैं थोड़े इंग्लिश के जो वीडियो डालता हूँ वो थोड़े कम ड्यूरेशन के डालता हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस। और हमको जो है मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना चाहता, हम वहाँ पे अच्छे से सब सिलेबस वगैरह कवर करेंगे, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें हमको क्या करना है, अभी जितने मैं लेक्चर्स वगैरह अपलोड करूँ बहुत अच्छे से, एक बार आपने अगर वो लेक्चर प्ले कर दिया तो उसके बाद वो लेक्चर एंड होने तक पॉज नहीं करना है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये जो है वो मोबाइल पे हम देखने वाले या फिर लैपटॉप पे देखने वाले, तो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स मोबाइल पे देखने वाले उन्होंने क्या करना है कि अगर ये लेक्चर आपने प्ले कर दिया तो ऐसे नहीं करना है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो फिर लेक्चर पॉज करके फिर हम व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, फिर हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, फिर हम इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। तो ऐसा घूम फिर के अगर आप जो है वो लेक्चर ब्रेक ब्रेक में करोगे तो वो लेक्चर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमको हर एक लेक्चर अटेंड करना है प्लस वो इफेक्टिवली अटेंड करना है। और उसके साथ साथ हर एक लेक्चर में मैं आपको बता दे जाऊंगा कि आपको नोटबुक कैसे प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में जब हम हमारे इंग्लिश का एक टॉपिक शुरू करेंगे तब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको नोटबुक घर पे जो है वो इंग्लिश की कैसे मेंटेन करनी है, और वो वाली नोटबुक जो आप मेंटेन करोगे वो हमको आखिरी तक रखनी है और वो फुल्ली फील्ड होनी चाहिए। हर एक लेक्चर का हर एक बीट वो वाली नोटबुक पे आना चाहिए ताकि हमको लास्ट रिविजन के वक्त वो बहुत अच्छे से हेल्प करे। उसके बाद हमारा वीकली टेस्ट का एक शेड्यूल अपलोड होगा। ऑब्वियसली वीकली टेस्ट का जो शेड्यूल होगा वो अभी हम तुरंत नहीं देंगे, थोड़ा हमारा एक मेजर पोर्शन जब खत्म होगा, इनफ पोर्शन हमारा खत्म होगा तब जाके हम वीकली टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पे दे देंगे। वीकली टेस्ट का शेड्यूल जो है हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो वीकली टेस्ट स्किप करेगा। तो उससे क्या, वीकली टेस्ट का जो मीनिंग क्या होता है कि हमने इसके पहले जितना टॉपिक सीखे वो जो टॉपिक दो तीन करके हमको वो टॉपिक रिवाइज करना है और उसके ऊपर एक टेस्ट देने। तो स्टूडेंट क्या करता है, जो स्टूडेंट वीकली टेस्ट में परफॉर्म अच्छे से करता है वो वाले स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और वो वाला स्टूडेंट फिर क्या करता है एंड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है प्लस उसके नंबर ऑफ रिविजन भी ज्यादा होते हैं। तो हमको क्या करना है, वीकली टेस्ट का शेड्यूल हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
उसके साथ साथ जो हमारे एंड एग्जाम के पहले प्रीलिम्स होंगे वो प्रीलिम्स हमको बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। और हमको फिर बाद में क्या करना है, जब हमारी एंड एग्जाम होगी उसके और प्रीलिम्स के बीच में हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट को तब पता चल ही जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए यहाँ पे आसान जा रहा है और कौन से टॉपिक में मुझे सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिक्कत जा रही है। तो हमको वहाँ पे क्या करना है, एक हमारी एक कंसेप्ट है रिविजनल वर्कबुक नाम की, तो हमको वो पीरियड में हम वो रिविजनल वर्कबुक कंसेप्ट जो है वो सॉल्व करा के लेंगे। तो रिविजनल वर्कबुक मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी वर्कबुक होगी जिसमें इंग्लिश के टॉपिक के सेंटेंसेस होंगे। ऑब्वियसली वो वर्कबुक जो है वो हम जो नॉर्मल रूटीन पे नॉर्मल लेक्चर्स में जो सेंटेंसेस देंगे उसके अलावा दूसरे वाले सेंटेंसेस होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली वर्कबुक होगी। वो वर्कबुक सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो टॉपिक वाइज जाएंगे उसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एक टॉपिक हमने आज लिया, ठीक है, मान लो अभी हमने रिविजनल वर्कबुक में टॉपिक लिया क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्वेश्चन टैग की एक रैपिड रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्कबुक के सेंटेंस सॉल्व करने में लगेंगे। तो स्टूडेंट का उसमें क्या हो जाएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगी स्टूडेंट की, उसका घर का उतना टाइम भी वहाँ पे बच जाएगा, प्लस उसके साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके क्लासरूम के अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला होगा जो हमारा एक पढ़ाई करने का हमारा पूरा तरीका होगा, हमारा जो है वो साल ये चार स्टेप्स में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अभी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो अभी हमको पता है कि चलो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको 100 मार्क्स है, मतलब जो हमारी एंड में मार्कशीट हमारी आने वाली है उसमें 100 मार्क्स का वेटेज किसको है, इंग्लिश को है। तो अगर हम मार्कशीट देखें तो हर एक सब्जेक्ट का जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस है यहाँ पे मार्क्स वाइज, लेकिन जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट को जो है वो अदर इम्पोर्टेंस क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि स्टूडेंट के दिल में इंग्लिश के बारे में डर होता है। पहली चीज़ उसका एक रीज़न ऐसा होता है, जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो मतलब घर का जो माहौल है वो इंग्लिश में बात करने का नहीं है। अभी हम अभी मान लो मैं किसी मराठी फैमिली में बॉर्न हूँ, तो मुझे मराठी तो बहुत अच्छी से आएगी, क्यों, क्योंकि मेरे घर वाले जो बात करेंगे मतलब स्कूल में हम बात करेंगे मान लो इंग्लिश में, लेकिन घर पे आके हम कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे, हम करेंगे मराठी लैंग्वेज में बात। तो आजू बाजू का माहौल अगर मेरा वो लैंग्वेज का होगा तो मैं वो वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से कैच करूंगा। ये एक रीज़न है कि इंडियंस जो स्टूडेंट होते हैं, इंडियन स्टूडेंट पर्टिकुलरली जो अपने साइड में रहते हैं महाराष्ट्र के, उनकी जो इंग्लिश वीक होते हैं क्योंकि हम आते हैं मराठी हिंदी या फिर गुजराती तमिल ये वाले बैकग्राउंड से, तो हमारे घर पे जो होता है वो इंग्लिश का माहौल कम होता है। तो हमको क्या करना है, हम क्लासरूम के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होगा इंग्लिश में बात करने के लिए, और वहाँ पे उसको डर नहीं होगा कि मैंने अगर इंग्लिश में गलत बात कर ली तो मुझ पर कोई हंसेगा, ठीक है। वो वाली चीज़ें मेरे क्लास में नहीं होती, आप सीनियर स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लासरूम में वो माहौल बनाएंगे, प्लस उसके साथ साथ हम छोटे मोटे गेम्स भी खेलते हैं, हमारा एक हर एक सैटरडे के दिन हमारा एक इवेंट होता है, वो वाले इवेंट में हम अदर देन स्टडीज कुछ बातें करते हैं, जैसे खाली कोई इवेंट हुआ है वो इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, या फिर कोई ऐसी अदर फील्ड है जिसको मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट को नॉलेज आना चाहिए, जैसे एक खाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मुझे लगा कि उसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को बताओ, या फिर शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें हो, तो वो हम चीज़ें हम वो सैटरडे के दिन वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा साइंस फिक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ साइंस फिक्शन पे बिलीव करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो परसेप्शन से ये दुनिया को देखता हूँ वो हर एक स्टूडेंट का जो है वो परसेप्शन वही सेम हो। तो मैं क्या हमारा जो इवेंट होता है सैटरडे टू सैटरडे, तो वो सैटरडे के इवेंट में हम क्या करते हैं हर एक स्टूडेंट को वो अलग अलग चीज़ें भी मैं वहाँ पे बताता हूँ विथ वीडियोज वगैरह, ठीक है। तो हम क्या, और दूसरी बात जो है वो सब्जेक्ट को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो न केवल अपने 100 मार्क्स यहाँ पे कवर करता है प्लस अदर सब्जेक्ट्स को भी हेल्प करता है। तो ये कैसे करता है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर तो आप अच्छे से लिखोगे, प्लस उसके साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली अभी जो हमारा जो कॉमर्स है वो पूरा इंग्लिश मीडियम कॉमर्स है, तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ पाओगे, प्लस उसके साथ साथ आप अकाउंट्स अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझेगा कि उसको क्या चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश ही वीक है तो आपका इंग्लिश का पेपर तो खराब होगा, इक्वली आपका जो इफेक्ट आएगा वो अदर सब्जेक्ट्स पे आएगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिसके जो एंगल से मैं अगर इंग्लिश की तरफ देखूँ तो मुझे इंग्लिश एक सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी के सब सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी ये वाला लेक्चर तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला हो गया, अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे इंग्लिश के ग्रामर का और वो वाले टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।
ओके थैंक यू।